हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका बहुत सारा। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, और अगर नहीं हैं तो मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आप स्वस्थ हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी सुनकर तो पक्का है आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्पेशल रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने आधा किलो लौकी को अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लिया है, और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक मिलाकर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, और 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से दबा दबा कर इसका सारा पानी निचोड़ लेते हैं। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है इसमें। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। ये है आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच रेड चिली पाउडर। फ्रेंड्स, पित्त प्रकृति वालों के लिए रेड चिली अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी सेहत को और ज़्यादा ख़राब कर देती है, तो उनको हरी मिर्च खाना चाहिए। तो आगे चलती हूँ मैं। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच घी। घी ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 पुदीना के पत्ते हैं ये, इनको हमने छोटा छोटा तोड़ लिया था, इससे भी स्वाद बढ़ जाएगा। और अब इसमें हम बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमको करीब 3/4 कप बेसन लगा है। अब कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, और अब इसमें नमक डालकर मिला देते हैं। मैं नमक दिखाना भूल गई थी, आपको कोफ्ते तलते समय ही इसमें नमक मिलाना है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा पानी छोड़ देंगे। तो इस तरह से गोले बना बना कर हमको तेल में डालते रहना है, और बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है, और इनको निकालने के बाद इनको ढककर एक साइड रख देंगे। और अब कढ़ाई का एक्स्ट्रा तेल हमने निकाल लिया है, 2 टेबल स्पून तेल ही हमने बचाया है कढ़ाई में। तो अब हमने प्यूरी बनाने के लिए लिया है 4 टमाटर, 2 प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और 1 हरी मिर्च। इन सबको हम बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं, इन सबको मिलाकर। और अब हमने कढ़ाई में तेल लिया है, गैस को ऑन कर दिया है, मीडियम रखा है हमने फ्लेम को, और हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हींग और 5-6 करी पत्ता डाल देते हैं। और जीरा तड़कने के बाद हम टमाटर का पेस्ट भी डाल देते हैं और चला देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार या फिर 1 चम्मच। फ्रेंड्स, ये सेंधा नमक है, हमारे घर में समुद्री नमक नहीं खाया जाता है। 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच बेसन, ताकि हमारी ग्रेवी थिक रहे और इसका सौंधापन भी बढ़ जाए। तो ये सब डालकर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम मसालों को 4 से 5 मिनट तक बढ़िया सा पका लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में अभी से, और क्या बढ़िया कलर आया है।
तो इसमें अब मसालों ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, आप किनारों पर भी देख सकते हैं। अब हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब इसमें 1 उबाल आने तक हम इसको ढक देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है। तो अब इसमें एक एक करके हम अपने कोफ्ते ऐड कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ढककर पका लेते हैं। देखिए तैयार हैं हमारे लौकी के कोफ्ते। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और कोफ्ते सर्व कर लेते हैं। देखिए है ना मज़ेदार हमारे लौकी के कोफ्ते। इनको आप पूरी, पराठा, रोटी, नान या फिर चावल के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए ये रेसिपी, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे मैं अपनी एक और मज़ेदार रेसिपी में। तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।